मनोज यादव जी, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम कोई थियोक्रेटिक स्टेट होने जा रहे हैं। इस बात से तो आप सहमत होंगे? नहीं, बिल्कुल। जिसकी संख्या जितनी अधिक है तो जाहिर सी बात है उस धर्म के लोगों का प्रभुत्व रहेगा, उस धर्म के लोगों की आचार विचार, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, सबका बोलबाला रहेगा। इसमें किसी तरीके का कौन सा कौन वो है। लेकिन अभी महंत जी है कोई, राजू दास जी, उन्होंने कहा पाकिस्तान का नाम लिया, मुझे थोड़ा सा पचकाना बयान लगा। भारत वर्ष के कई करोड़ की आबादी पूरे विश्व पे राज कर रहे हैं। कैसे? मॉरिशस एक देश है जहाँ भारतीय मूल के लोग राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। फिजी है, फिजी में भारतीय मूल के लोग राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका जैसे राष्ट्र में उपराष्ट्रपति भारत के मूल के लोग हैं। आइए इंग्लैंड पे आइए, इंग्लैंड ब्रिटिश में भी भारतीय मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री। जितना पूरा विस्तार हिंदुत्व का हिंदू मूल के लोगों का हुआ। अरे शांत रहिए, बीच में ज्ञान मत दीजिए, हमको मालूम है आप अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए, हमें मालूम है। नहीं नहीं, जो जो जाति जो धर्म पूरे विश्व में, मैं आपकी बात समझ गया। आप जो कह रहे हैं, आपका उदाहरण जो है वो हमको भी बोलने आता है। बिल्कुल, आपका उदाहरण जो है यादव बोलने आता है, वो बात को भी बोलने आता है। धर्म के आधार पर तुम लोगों ने देश की बंटवारा कर दिया। नहीं, धर्म के, एक सेकंड, ठीक, नहीं, धर्म के आधार पर तुम लोगों ने देश को बांट दिया। धर्म के आधार पर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या किया, नहीं, जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने क्या किया, आप देखो, आप देखो झारखंड में क्या हो रहा है। नहीं, ये भी सर, नहीं, जिस प्रकार से एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करने वाले लोग जो जो कुरान में किसी की आवाज असल साफ नहीं जा रही है, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। एक बार साजिद रशीदी जी को लेके आते हैं। साजिद रशीदी, राकेश त्रिपाठी ये बात कह रहे हैं, महंत राजू दास ये बात कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान सभी बड़े पदों पर हैं और हिंदू राष्ट्र का कतई ये अर्थ नहीं है कि भारत कोई धार्मिक राज्य होने जा रहा है, कोई थियोक्रेटिक स्टेट होने जा रहा है। ये तो था, ये तो है और ये रहेगा भी। इस बात में कोई खामी पाते हैं आप क्या? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दो हिंदू मिलकर एक सवाल कर रहा है, एक जवाब दे रहा है। यही इस देश की खूबसूरती है। इस देश की खूबसूरती यही है कि अगर कोई गलत बोले, मुसलमान गलत बोले तो मुसलमान उसका जवाब दे, हिंदू गलत बोले तो हिंदू उसका जवाब दे। जी जी, इसी को तो कहते हैं लोकतांत्रिक देश। इसीलिए हमारे देश की पहचान है पूरी दुनिया में। लेकिन एक बात समझिए, देखिए, आपको याद होगा सिमी कांग्रेस के टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जी, उस पर बैन लगा इसलिए कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती थी हिंदुस्तान को। अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा इसलिए कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे देश को, और किसी मुसलमान ने उसका विरोध नहीं किया कि क्यों बैन लगा है, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से लाखों के मंच पर बैठ कर जिस तरह से बखान कर रहे हैं कि साहब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, राकेश त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बात कही और हम मानते हैं इस बात को। ये तो सही है, लोकतंत्र में जिसकी जिसके सर ज़्यादा होते हैं, जिसके पास, उसी की जीत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार उसी की बनती है। लेकिन सवाल ये है कि जो चीज़ है उसको बाकायदा बनाने की बात करना, जब PFI पर बैन लग सकता है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर बैन लग सकता है, तो धीरेन्द्र शास्त्री पर बैन क्यों नहीं लग रहा है अभी तक? धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर FIR क्यों नहीं हो रही है? मुझे लगता है ये सवाल आप राकेश त्रिपाठी से पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ये सवाल राकेश त्रिपाठी जी के सामने रखा जाएगा, राकेश त्रिपाठी के सामने रखा जाएगा। ठीक है, ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।